नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत अछि। शुरू करी हेडलाइन्स। मिथिलांचल में महिला सब से बड़ सावित्री पावन मनाल गेल, श्रीमान के दीर्घायु के कामना। सुंदर नाराक साथ आयल प्रदेश नंबर 2 सरकारक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में आशंका, बीतल बरखक कार्यक्रम कागज में रह गेल, नीति आयोग सदस्य के दावी। लोकसभा आयोग संविधान आयन विपरीत विज्ञापन निकालने कहित चौतरफी विरोध, तत्काल सुधार कर मांग। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय समिति में जवाब, बेईमानी नहीं केने दावी, खराब मनसाई से विज्ञापन आनल गेल सांसद सभा आरोप। आ सरकार मदेश के उपेक्षा कक बजट अनने राजपा नेता यादव के आरोप, बजट कोना कार्यान्वयन हेबा कहित सरकार संग प्रश्न। आप समाचार विस्तार से। झपा में स्कूटर दुर्घटना में एकटा युवती के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबय वाला में शिव सताक्षी नगर पालिका एक रहनिहार 27 वर्षक रंजना खनाल रहल छन्। सोम दिन भिनसर धर्मपुर में मोटरसाइकिल स्कूटर के ठक्कर देला से दुर्घटना भेल छल। मे 10 पर 81 नंबर के मोटरसाइकिल, मे 7 पर 16-78 नंबर के स्कूटर में सवार खनाल के ठक्कर देने छल। गंभीर घायल खनाल के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। मधेशक जिला में सोम दिन बट सावित्री अर्थात बरसाइत पावन मनाओल गेल अछि। पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत मैथिल महिला सब ई पावनि धूमधाम के साथ मनौलक अछि। एक रिपोर्ट। श्रीमानक दीर्घायु के कामना करैत सोम दिन मधेशक मैथिल महिला सब बट सावित्री अर्थात बरसाइत पावनि मनौलक अछि। मैथिल महिला सब मनाव वाला पावनि में से बट सावित्री महान पावनि अछि। ई पावनि जेठ महीना के अमावस्या के दिन मनाओल जाय छै। बट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बरक वृक्ष में सामूहिक रूप से विधि पूर्वक पूजा करै छै। ओना त एहि पावनि में कतेको महिला घरे में बरक गाछ रोपि कऽ सेहो पूजा करै छै। ई पावनि मनाव वाला सब भिनसरे स्नान कऽ नया वस्त्र लगा कऽ उपवास में सेहो बैसै छै। एहि पावनि में पार्वती, सावित्री आ नागक सेहो पूजा कयल जाय छै। पान, सुपारी, केरा, फल फूल, धूप, अगरबत्ती सहितक विभिन्न पूजन सामग्री के साथ पूजा पाठ कऽ व्रतालु महिला सब श्रीमानक दीर्घायु आ कुशल दाम्पत्य जीवनक कामना करैत बरक गाछी में लाल आ पियर धागा बान्हि कऽ पूजा करै छै। बट वृक्ष के मैथिली में बर अर्थात दुल्हा सेहो कहल जाय छै। महिला सब पति के आयु आ प्राण रक्षा हेतु एहि दिन व्रत बैसैत अछि। बट सावित्री पावनि कला से संपूर्ण परिवार के एक सूत्र में राखि कऽ बांधबाक विश्वास अछि। बट सावित्री व्रत अपन हिंदू समाज में बहुत महत्व रखे छै। ई अपन पति के अल्प आयु से बचाबे के लेल अपन पति के दीर्घायु के लागी व्रत कयल जाय छै। पति के आयु के लागी बट सावित्री छै आगे से अपना पति के और दामाइन के लिए ओहि लेल हमहु सब इहे व्रत करै छी अपना पति के आयु के लागी। सावित्री जे छलै से अपन पति के जीवन जे छलै से यमराज से ई बट सावित्री करि के वापस लऽ आयल छलखिन। ताहि दुआरे आइ के दिन हरेक सुहागन औरत बट सावित्री के पूजा पेड़ के बर के पेड़ के नीचे में कर के खोइचा भर के ओकर कथा सुन के तब पति के जाके घर में। कोना के शुरू भेल बट सावित्री पावन? ई पावनि सत्यवान आ सावित्री के कथा से संबंधित अछि। मद्र देशक अश्वपति नामक धर्मात्मा राजा के पुत्री सावित्री के विवाह धुमत सेनक पुत्र सत्यवान संग भेल छल। सत्यवानक आयु कम रहल बात नारद मुनि द्वारा जानकारी करबे तो सावित्री हुनके संग विवाह केने छल। विवाहक एक वर्ष मात्र बीतल अवस्था में बरक वृक्ष पर लकड़ी काट गेल समय सत्यवानक मृत्यु भ गेल छल। ई घटना संगे यमराज सत्यवानक जीवात्मा ल कऽ जाय लागल। वही क्रम में सावित्री सेहो यमराजक पाछा पाछा जाय लागल। सावित्री के पतिव्रता देख कऽ यमराज वरदान दैत सत्यवानक जीवात्मा घुरा देने छल। जम ने उसको प्राण लेने लेकर के चल रहा था तो सावित्री ने जम से प्राण को वापस कराए। पहले अपने सास ससुर को आँख मांगे, फिर उन्होंने अपना राजपाट, वो तो राजा था सत्यवान, लेकिन उन्होंने लकड़ी काट के गरीबी हो गई थी, राजपाट हरण हो गई थी। इसके बाद लास्ट में सावित्री ने अपने पति को मांगा प्राण यम से कि हमारा एक बच्चा कि हमें एक आशीर्वाद दीजिए। तो जमराज ने आशीर्वाद दिया, मसु तेरा बच्चा होगा, लेकिन सावित्री ने बोला कि बिना पति का कैसे बच्चा होगा। तो जमराज ने हार गए और उनका पति का प्राण को लौटा दिए। सबसे पहले
सावित्री आ सत्यवान के विषय में कथा है कि सत्यवान के जब जमराज प्राणांत क दिलखिन उनकर प्राण लगे जाय लगलखिन तो सावित्री इहे व्रत के पूजा क के जमराज के पीछे पीछे जाके सत्यवान के प्राण लौटा के लैलखिन अमर सुहाग भ गेले। इहे मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल वट सावित्री पावन मनाव लागल धार्मिक ग्रंथ में लिखल छै। पहिने ब्राह्मण कायस्थ महिला सब मात्रे मनबैत आयल बरसात पावन अखन दोसर जातक महिला सब सेहो मनाव लागल अछि। वट वृक्षक पूजा किया वट वृक्ष एक देव वृक्ष मानल जाय छै। ब्रह्मा विष्णु महेश आ सावित्री सेहो वट वृक्ष में रहै छै। तहिना प्रलयक अंत में श्री कृष्ण इहे वृक्षक पत्ता पर प्रकट भेल कहल जाय छै। इ वृक्ष पवित्र मात्र नै दीर्घायु सेहो रहै छै। लंबा आयु शक्ति आ धार्मिक महत्व के ध्यान में राखि कऽ वृक्षक पूजा कयल जाय छै। पर्यावरणक हिसाब से सेहो इ वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण मानल जाय छै। पूजा के विधान वट वृक्षक नीचा सावित्री सत्यवान आ यमराजक मूर्ति स्थापित कयल जाय छै। एकर बाद वृक्षक जड़ में जल चढ़ा कऽ फूल धूप आ मिष्ठान सब पूजा कयल जाय छै। कच्चा धागा लऽ कऽ वृक्षक परिक्रमा करैत लपेटल जाय छै। एना कऽ कमती में 7 बेर वृक्षक परिक्रमा करऽ पड़ै छै। पूजा के क्रम में हाथ में भिजल चना लऽ कऽ सावित्री सत्यवानक कथा सुनल जाय छै। कहल जाय छै कि बड़क वृक्ष लगौला पर परिवार में पारिवारिक आ आर्थिक समस्या सेहो नहि होइ छै। अपन टीवी जनकपुर धाम। हिंदू विवाहित महिला लोकनि श्रीमान के दीर्घायु के लेल उपवास राखि कऽ वर्ष में एक दिन मनबैत आयल बरसात पावनि जनकपुर धाम में सेहो विविध कार्यक्रम कऽ कऽ विभिन्न ठाम सब में बर के गाछ के पूजा कऽ कऽ मनाओल गेल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। अखन हम सब कलवार कुट्टी के आगा में छी तो ई जे छै से अपने के कलवार कुट्टी के आगा में खास कऽ के एगो बर के गाछी छै ओहि ठमन जे छै से पूजा भ रहल छै। के प्रथा सेहो छै जे बर गाछी ल बैस कऽ आ बरसात पावनि के जे कथा छै से सेहो ओहि ठमन सुनल जा रहल छै। तऽ ओ दृश्य अपने सब के देखलहुँ। तहिना आब हम सब जा रहल छी देखऽ जनकपुर के दोसर ठमन कोन तरह ई पर्व मनाओल जा रहल छै। दर्शक मंदिर राम मंदिर में जे खास कऽ कऽ बरसात पावनि में जे कथा सुनऽ के जे परम्परा छै से देख सकै छी। एतऽ बैस के आदमी जे पावनि केने छथि व्रत केने छथि महिला सब ओ सब एतऽ कथा सेहो सुनऽ के परम्परा हिसाब से कथा सेहो एतऽ सुनल जाइ छै सुनाओल जाइ छै। आयु के लिए आयु के लिए सबके लागि ई व्रत है कि अपना अपना श्रीमान के लागि व्रत करे है कि अही बात मनबे है अभी तक हमसब तो भरो रात सहबे ई पावन करला से कि पति के आयु लंबा हो छै। आई हम 13 साल से कर रहल शादी के हमर 13 साल हो गेलै 13 साल से कर रहल छी और हमर सबके ई मतलब कि परम्परा ई पूजा छिते छी। हमसब जाति के सोनार छी तो हमरा सबके मिथिला धर्म के ई रीति छै। हमर सबके शादी के भेला के बाद मतलब कि पावन के मान्यता देल जाय छै। खास कर हम सब तऽ फल फूल मात्रे खाइ छी बाकी बाद में सब आदमी हाँ सबके आदमी के मतलब रोटी उटी खिलाओ कदू कदू बनाने ई पावन करै छी कि हमरा सबके पति के लंबा उम्र के रहै पढ़े के लेल कयल जाय छै पति वाला व्रत। एही मे बना भरि दिन उपास कऽ के साँझ मे बिना नमक के खाना खाइ छथिन। पति के लेल कऽ रहल है लोक सब जेकरा जे भेल तऽ ओहि लेके कैलक। जेनाकि 5 रंग के फल फूल भेल एहिमे लड्डू भेल पेड़ा भेल मने इहे सब धरायल जाहि एहिमे खास कऽ के पतिये के लागि पूजा होइ छै। सब अपना पतिदेव बर के लेल कयल जाइ छै। एक दिन व्रत रहै छै हाँ जी। कए साल से कर रहल छी? 3 साल। 3 साल दुल्हा के आयु के लागि करल जाइ छै। पता पर पूजा करबै एकटा पता माथ में लगबै एगो जान के तर में रह के पूजा करे कथा सुनै छियै तै के लागि से साल भर के पवनी छै अपना पति के अथी के ला के लक इहे सब होइ छै। से फल फूल के सब बरगाछी के सावित्री के पूजा होइ छै एहि सब ला पवनी करै छै। अपन पति के आयु उम्र नम्बर मंगै छै। खा सके फल फूल खा सके कते अनुना खा सके है एहिमे कोनो जरूरी नहि कि बर्ते मतलब भुखले रहि जायत के व्रत करती से बात नहि। चावल छै लुच्ची फल फूल सब चढ़ा सकी है पर गायस्थ बाबन के पहिने होइ छलै कि मतलब बर के सुहाग जेटा होइ छै ने सुहाग के लागि पाबै होइ छै।
हमर फर्स्ट टाइम छी फर्स्ट टाइम के जी त ई केन केन अनुभव बड़ रहल आइ फर्स्ट टाइम अखन नेबे के लिए पूजा पर अखन बैसल नै छी आब कक बुझबे कोइ साल से पहिले नै अपना मन के लोग मन के मन हां अपना मन से हां अपना मन से हां लोग कहते हैं शादी को नै शादी है न कहते आदमी मतलब 2 साल 2.5 साल भेला पर अपना सबके कल्चर जे अपना सबके जे संस्कृति छै ओहि संस्कृति के हिसाब से एत जनकपुर धाम में अखन कलवार कुट्टी के आगा में एगो जे बड़ गाछी छै फील्ड में ओहि फील्ड में गिनारी कुट्टी खास कऽ के ई बड़ गाछी जे छै से गिनारी कुट्टी के अंतर्गत पड़ि रहल छै एहि ठमन देख सकै छी जे केना हर्षोल्लास के साथ परम्परागत रूप से एत महिला सब आबि कऽ आब पूजा करि रहल छथिन उम्मीद जे देख सकै छी अपने सब कोन तरहे धागा जे छै से बेरल जा रहल छै चारू भर सँ बड़ गाछी के घेरल जा रहल छै से दृश्य देख रहल छी अखन अपने सब आदरणीय दर्शकबिन तऽ देखलियै जे बरसाइत पाबनि जनकपुर धाममे के अनेको जगहपर केना धूमधाम तरीकासँ एगो मनमे जे आस्था छै आदमी से आस्थाके लऽ कऽ प्रत्येक साल जकाँ अहू साल महिला सब व्रत कऽ कऽ आओर बड़के जे परम्परागत रूपसँ घेरऽके एगो काम छलै से काम आओर पूजा जे छै से बड़ गाछीके तरमे जनकपुरके अनेको ठमन होइत नजर आयल आओर ओतऽके अवस्था अपने सबके देखेलहुँ एतबी कहैत आओर बरसात पाबनिके अपने सब गोटेके पूरा परिवारके सुख शांति आबे समृद्धि बढ़े आ सब आदमी के जीवन सुरक्षित रहे यह कामना करैत कैमरा पर्सन विकास कपूर के संग हम राजेश जराज अपन टीवी जनकपुर धाम तहिना सप्तरी में सेहो विवाहित महिला लोकनि बट सावित्री पावनि मनौलक अछि राजविराज के मंदिर पोखरि तलाब आ लगपास के गाछी में ई पावनि मनाब भोरे सब विवाहित महिला सबक भीड़ भाड़ लागल छल आसपास के गाछी घेर कऽ ओ सब गाछी में विवाहक प्रतीक मंगल धागा लपेट कऽ पूजा कऽ कऽ पाबनि मनौलक अछि नया कपड़ा श्रृंगार आ गहना लगा कऽ महिला लगपास के गाछी में बट सावित्री पाबनि मनबैत पति आ परिवारक लंबा आयु आ सुख शांति के कामना कयल अछि बट सावित्री के दिन मैथिल नारी नहा कऽ लगपास के गाछी में पूजा अर्चना कयला पर पति के आयु लंबा हेबाक आ परिवार में सुख शांति हेबाक विश्वास रहल व्रतालु महिला सभक कहब छलनि बट सावित्री पावनि विशेष कऽ मैथिल ब्राह्मण कायस्थ बढ़ही हलवाई सोनार सूरी तथा तेली समुदायक महिला मनबैत अछि पति के दीर्घायु तथा परिवारक सुख शांति के कामना करैत मनाबयवला बट सावित्री पावनि में पवित्र मंगल धागा के संगे आम लीची धानक लावा आ दूध के प्रसाद आसपास के गाछी में चढ़ाओल जाइत अछि राष्ट्रीय जनता पार्टी लोकसेवा आयोग आह्वान केने विज्ञापन के संविधान सम्मत बनाब आ गृहचंद्र लाल आयोग के प्रतिवेदन तुरंत सार्वजनिक सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि प्रतिनिधि सभाक सोम दिन बैसार में राजपाक सांसद राजकिशोर यादव संविधानक कार्यान्वयन कराब सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि ओ संविधान में कयल गेल व्यवस्था विपरीत आयोग विज्ञापन आह्वान केने कहैत सरकार के चलौने कहि कऽ प्रश्न केने छलनि पार्टी को के लाग छ जब यो संविधान सरकार ले मान्दैन जब यो संविधान अनुसार यो सदन परिचालन हुँदैन जब यो संविधान संवैधानिक निकायमा बस्ने मान्छेले मान्दैन व्यक्तिको उन्माद उसको कुण्ठा उसको चिन्तनबाट जब कार्यहरू अगाडि बढाइन्छ समस्याहरू उब्जिन्छ भर्खरै लोकसेवा आयोगले एउटा विज्ञापन खोलेको छ सामान्य सभामुख महोदय त्यो विज्ञापन हेर्दा यो प्रचलित संविधान जुन हामी ऐतिहासिक उपलब्धिमूलक संविधान भन्छौँ त्यसको मर्म र भावना विपरीत छ त्यसले ठाडै त्यो संविधानको मर्म र भावनालाई कुठाघात गरेको छ लोकसेवा आयोग आह्वान केने विज्ञापन संविधान के भावना विपरीत भेल टिप्पणी कयलनि संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान केनाइ सरकार के कुनियत देखल गेल ओ दावी केने छलनि धोती भारतीय भनेर होच्याउने र त्यसले प्रतिवाद गर्दा भौतिक आक्रमण भएको छ र यो देशको प्रहरी जसले नेपाली जनताको सुरक्षा गर्छु भन्ने जिम्मा लिएर
नेपाली जनताको करबाट तलब खाका प्रहरी टुलु टुलु हेरेर बसेको छ। राज्य मौन छ र मधेसमा ठुलो एउटा असन्तुष्टि। यो भन्दा अगाडि म यो सम्मानित सदनमा निवेदन गर्न चाहन्छु, यस्तै घटना यो भन्दा अगाडि 15 वर्ष अगाडि भएको थियो र राज्यले कस्तो र कत्रो मूल्य चुकाउनु परेको छ त्यो हामी सबैलाई। सांसद यादव राष्ट्रके दीर्घकालीन रूपमे नोक्सान पहुँचेबा काज बन्द गर्न सरकारके सचेत गरौलन्। ओ सदनके मर्यादा रखैत गिरीशचन्द्र लाल आयोगके प्रतिवेदन तुरन्त सार्वजनिक गर्न माग कयलन। सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज सोम दिनके विचार प्रारम्भ भेल जानकारी करौला लगले राजपाक सांसद लोकनि विरोध जनौने छल। तकरा बाद सभामुख महाराज सांसद यादवके बाजल लेल समय देने छलनि। लोकसेवा आयोग 515 स्थानीय तहके लेल निकालने कर्मचारी भर्ना विज्ञापन विवादमे पड़ल अछि। आयोग संविधान आ एन विपरीत विज्ञापन निकालने कहित चौतरफी विरोध भ रहल अछि। संविधान आ निजामती एन गारंटी कैने हरेक निकायमे समावेशी प्रतिनिधित्वके अधिकारके लोकसेवा आयोग मिटाबय चाहने कहित प्रदेश नंबर 2 सरकार मधेश केन्द्रित दल आ विद्यार्थी लोकनि सहित विभिन्न संघ संगठन समेत विरोधमे उतरल अछि। रिपोर्ट। बीतल समयमे महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्गता भेल व्यक्ति पिछड़ल क्षेत्रके व्यक्ति सब सहितक उत्पीड़ित वर्ग समावेशी रूपमे राज्यके मूल धारमे आव नहि सकल छल। ओकरा सबके हरेक निकायमे समावेशी प्रतिनिधित्व नहि कराकऽ अधिकारसँ वञ्चित कयल जा रहल छल। इहे परिवेशमे देशमे भेल विभिन्न आन्दोलनके परिणाम स्वरूप पहुँचसँ बाहर रहल सबके राज्य आरक्षण कोटा मार्फत मूल धार में आनवाक नीति लेलक। देशक मूल कानून अर्थात संविधान आ ऐन सब में उत्पीड़ित समुदाय के हरेक निकाय में समावेशी प्रतिनिधित्व के गारंटी केलक। सब किछ ठीक के चल रहल छल, मुदा जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से स्थानीय तहक लेल निकालल गेल कर्मचारी भर्ना विज्ञापन के चौतरफी विरोध भ रहल छै। इ विज्ञापन तत्काल खारिज कयल जेबाक मांग कयल जा रहल छै। समस्या की नेपालक संविधान आ निजामती ऐन राज्य के हरेक निकाय में समावेशी सहभागिता के गारंटी कयने अछि। जाय अनुसार निजामती कर्मचारी भर्ना करैत काल विज्ञापन कयल जाय वाला जम्मा सीट संख्या के 45% के 100% मानिकऽ महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्गता भेल व्यक्ति 5% आ पिछड़ल क्षेत्रक व्यक्ति 4% राखल जेबाक व्यवस्था छै। मुदा जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग सँ 515 स्थानीय तहक लेल निकालल गेल विज्ञापन मे कानून तोकने कोटा सँ बहुत कम आरक्षित कोटा छुटियाओल गेल छै। की छै संविधान आ कानून मे संविधानक धारा 42(1) मे सामाजिक रूप सँ पाछा पड़ल महिला दलित आदिवासी आदिवासी जनजाति मधेसी थारू अल्पसंख्यक अपाङ्गता भेल व्यक्ति सीमांतकृत मुस्लिम पिछड़ा वर्ग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा किसान श्रमिक उत्पीड़ित वा पिछड़ल क्षेत्र के नागरिक तथा आर्थिक रूप सँ विपन्न खास आर्य के समावेशी सिद्धांत के आधार में राज्य के निकाय में सहभागिता के हक हेबा कहल गेल छै। तहिना निजामती सेवा ऐन 2049 के दफा 7 के उपदफा 1 में निजामती सेवा के समावेशी बनाव खुला प्रतियोगिता द्वारा पूर्ति हो वाला पद में से 45% पद छुटिया कर अय प्रतिशत के 100% मान देहाय बमोजिम के उम्मीदवार बीच मात्र अलगे अलग प्रतिस्पर्धा करा कर पद पूर्ति कराओल जेबाक लिखल छै। जाय अनुसार महिला 33%, आदिवासी जनजाति 22%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्गता भेल व्यक्ति 5%, पिछड़ल क्षेत्र के व्यक्ति 4% के प्रष्ट रूप में व्यवस्था कयल गेल छै। मुदा लोक सेवा आयोग 9000 से अधिक सीटक विज्ञापन करैत काल संविधान आ कानून के नहि मानने कहैत प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आक्रोश व्यक्त कयने अछि। ओ संवैधानिक व्यवस्था विपरीत के गतिविधि विरुद्ध कानूनी इलाज खोजबाक चेतावनी समेत देलेन अछि। जुन किसिम का समावेशी जुन संविधान ले पनि त्यस कुरालाई व्यवस्था गरिसकेको कि समावेशी हिसाबले जुन त्यहाँ चाहिँ अब भ्याकेन्सी माग गर्दाखेरि त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित
हाम्रा आदरणीय मेयर साहबहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्षजीहरूलाई त्यो कुराको जानकारी भयो होला। फोन गरिराखेका छन् कि हामी जुन किसिमका इन्क्लुसिभनेस हुनु पर्थ्यो, जुन किसिमका त्यहाँ चाहिँ प्रावधान हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन। तहिना मधेस केन्द्रित दल सब सेहो आयोग संविधान विपरीत विज्ञापन निकाल्ने कहित सुधार करब मांग कऽ रहल अछि। अहिले त 9000 भन्दा बढी सीट लोक सेवा आयोगले निकाली राखे छ। लोक सेवा आयोगले पनि अब नमान्ने यो संविधानलाई, जुन मधेसी जनजाति मुस्लिम थारू आदिलाई जुन दिइराखेको छ समानुपातिक समावेशी 9000 को निकाल्दाको अवस्थामा पनि दिएन। अब यो संविधान कसले मान्ने? लोक सेवा आयोगक प्रष्टीकरण, बहुत कम समावेशी कोटा छुट्टियों ने कहित चौतरफी विरोध होवे लगला बाद आयोगक अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली स्थानीय तहक मांगक आधार में अलगे अलग विज्ञापन कर पड़ला से समग्रता में समावेशी कोटा छुट्टियाब नहीं मिलवाक जिकिर कलेन अछि। लोकसु आयोग को कुनै यस्तो इन्टेन्सन छैन। लोकसु आयोग किन इन्टेन्सन राख्नु, जुनले समावेशीकरण अझ सुदृढ बनाउनलाई चाहिँ नि विभिन्न संस्थामा लागू गरिरहेछ भने हामीलाई के इन्ट्रेस्ट हुन्छ र हामीले त्यो चाहिँ कसैको भार गर्नु होइन। टोटलमा हेरेर चाहिँ यति आयो भनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो डिटेलमा नगएको अवस्था हो, ठिक छ। यसलाई पनि यदि सम्मानित संसदले रिथिङ गर्छ भने त्यो त छँदैछ, कानुन संशोधन हुन्छ, तर अहिलेको प्रक्रिया अब चाहिँ हरेक स्थानीय त अलगे अलग सरकार भेलासँ एक दोसर सँग मिलाव नै सकबाक हुनक तर्क अछि। आयोग से कैल गेल एहन तर्क के विरोध में उतरल मधेस केन्द्रित दल सब कुतर्क कह रहल छै। आयोग से निकालल गेल विज्ञापन समग्र में निकालल गेला से वही अनुसार आरक्षण सीट अनिवार्य छुटियाल जेबाक आंदोलनरत पक्षक कहब छै। जे जति पठाएछ त्यो अनुसार त्यो पार्टिकुलर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई पार्टिकुलर त्यहाँबाट भएको मागलाई 100% आधार बनाई त्यहाँ 55% खुला छुट्याइदिएछ र बाँकी जुन 45% छ त्यसमा आरक्षण दिएको छ, जसले गर्दा तपाईँको मधेसी समुदाय, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका जातजाति, महिला, अपाङ सबै वञ्चित भएका छन्। जुन आरक्षणको सिद्धान्त र मर्म छ त्यो विकृत गरिएको छ र यो कुनै त्रुटि होइन, यो बेइमान नियतले गरिएको विज्ञापन हो। केन्द्र चाहिँ विज्ञापन दिएको होइलै, केन्द्र चाहिँ विज्ञापन इकाइ त यी नगरपालिका गाउँपालिका के अपनेके यी समावेशी जे सीमान्तकृत समुदायके यी पखा लगाबेके लेल एगो यी जनतामे भ्रम छिरेके लेल गाउँपालिका नगरपालिकामे छुटिया देले हइ, जेकि यी नीति सङ्गत नहि। अहाँके जे होइए अधिकृतके विज्ञापन होतै तऽ अधिकृतके विज्ञापन केन्द्र कैले हइ, सूबाके विज्ञापन केन्द्र कैले हइ, खरीदारके विज्ञापन केन्द्र कैले हइ, तऽ स्वतः ई स्थानीय तह केने हइ। जे समयमे स्थानीय तह विज्ञापन करतै ओहि समय ओ अपन नियम अपन स्थानीय सरकारके नियम लगा सकैए, लेकिन अभीके समयमे केन्द्र जब विज्ञापन कैले हइ ओहिमे न ई जे सरासर ई अभी जनताके भ्रममे पारेके लेल एके ओ कि केन्द्रीकृत मानसिकता जे हइ एकल जातीय वर्चस्व लादेके हिसाबसँ एना क विज्ञापन निकाल क फेर से एक समुदाय के वर्चस्व कायम कर खोजल गेल ओकर सबक आरोप अछि। सीमांतकृत समुदाय के साइड लगाब समावेशी नै क किछ निश्चित समुदायक वर्चस्व कायम राख विभेदपूर्ण विज्ञापन निकालने आयोग ऊपर आरोप लागल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। लोकसभा आयोगक विज्ञापनके विषयमे लऽ कऽ संसदीय समितिक सांसद आ आयोगके पदाधिकारी बीच आरोप प्रत्यारोप चलल अछि। सङ्घे संसद प्रतिनिधि सभाके राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिके सोम दिनके बैसारमे समिति सदस्यसभ आ आयोगके अध्यक्ष उमेश प्रसाद मीनाली बीच आरोप प्रत्यारोप चलल अछि। समिति सदस्यसभ अमरेश कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार गुप्ता, राम सहाय प्रसाद यादव अधिकार केन्द्रीकृत शासन सत्तासँ बाहर नहि जाय देव, खराब मनसायके सङ्ग संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान कयल गेल धारणा रखलाके बाद आयोगक अध्यक्ष मैनाली संसद बनाउने कानून अनुसार आयोग चललासँ आयोग बेमानी नहि केने स्पष्ट कयने छ। समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंह संहिता समाप्त करबाक षड्यंत्र अनुसार सरकार आयोग के मिला पत्र में संविधान विपरीत विज्ञापन आह्वान कयल गेल आरोप लगौलेने छ। यदि चाहिँ जनताको अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन, उसको मर्म भावनाको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता संविधान
चाहिँदैन। जुन एकल जातीय राज्य निर्माण गर्ने जुन प्रयास भइरहेछ सरकारबाट भइरहेछ, सरकारको त एउटा अङ्ग हो लोकसभा आयोग, त्यस कारणले सरकार र उहाँको मिलिभगत हो। कहिले मिटिङ गर्नुभयो, कति बजे गर्नु त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो दुइटैको सुनिश्चित साजिसोमा एकदम उच्च तहबाट मैले कुराकानी गरेको छु। त्यो उच्च साजिसको तह संहिता समाप्त पार्ने, समावेशिता समाप्त पार्ने, यो संविधान समाप्त पार्ने र अधिनायकवाद लाउनेको प्रक्रिया हो। त्यसको साक्षी किनारा अहिले जनताको प्रतिनिधि हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो त भने मलाई पूर्णत असहयोग, मलाई पूर्णत असहयोग होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अब हामीले यसरी खप्किहाल्नु पर्यो। यो देशको नागरिक पनि हो म, यो संवैधानिक अङ्क चिज मात्रै होइन। मैले सानो तिनो हजुरहरूको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिवर्तनको लागि लडेको छु होइन। अब यसमा चाहिँ समिति सदस्य लोकनि ब्रिजेश कुमार गुप्ता, रामसहाय प्रसाद यादव एकटा गाउँपालिका नगरपालिका के हवाला दकत त्रुटि सुधार खोज गलत भेल कहित विज्ञापन रोकन निर्देशन देल जेबाक माग कयलनि। जब केन्द्रीय हाम्रो लोक सेवा आयोगले संघीय मन्त्रालयको माग अनुसार गरेको छ भने एकमुष्ट गरेर त्यसलाई प्रथम म यसलाई कडा रूपमा यसलाई म विरोध गर्दछु र यसलाई सच्याउन म सम्बन्धित निकाय अध्यक्ष मैनाली संविधान के व्यवस्था आ कर्मचारी समायोजन एन 2075 में भेल व्यवस्था विषय विस्तृत जानकारी करबैत कानून अनुसार आयोग चलल बताने छलनि। लोकसेवा आयोग जेठ 15 गते 9161 पद के लिए आह्वान केने विज्ञापन संविधान प्रत्याभूत केने समावेशी समानुपातिक सिद्धांत अनुसार नहीं भेल कहित संसद में बात उठला के बाद समिति अ विषय में आयोग संग परामर्श केने अछि। आयोग सरकार मांग के अनुसार विज्ञापन आह्वान कयल गेल बतौला के बाद संबंधित मंत्रालय संग विषय में परामर्श करबाक निष्कर्ष में समिति पहुँचल। लोकसेवा आयोग अपने स्थानीय तह के लेल निकालने कर्मचारी के भरना विज्ञापन कानून अनुसार भेल दावी कलक। संघे संसद प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सोम दिन बैसार में लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली आयोग से निकालल गेल विज्ञापन कानून विपरीत नहीं भेल बतौलने। स्थानीय आ प्रदेश सरकार से मांगल मांग भेल कर्मचारी संघीय सरकार मार्फत अनुरोध भेला के बाद माघ भ के आयल पद के लिए अपना सब विज्ञापन आह्वान केने ओ स्पष्ट कयने। ओ संविधाने में स्थानीय सरकार अलग अलग रहल कहल गेल तथा स्थानीय सरकार माँग केने कर्मचारी सीट संख्या लगायत के कारण से समस्या भेल बतौलन। स्थानीय सरकार एक अथवा दू गोटे मात्र कर्मचारी माँग केने अवस्था में समावेशी समानुपातिक सिद्धांत अवलंबन कर समस्या हेबाक हुनक तर्क छल। विरोधाभासको धाराहरूमा तर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 226 गाउँसभा नगरसभाले अनुसूची 8 र अनुसूची 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने यसको प्रक्रिया प्रदेश कानुन निर्धारण प्रक्रिया प्रोसेस। त्यो अनुसूची 8 चाहिँ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनको कुरो छ, त्यो स्थानीय तह अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। ओ आयोग सङ्गठित संस्था आ सुरक्षा निकायमै समावेशीकरणके स्थापित गराउने स्पष्ट कयलनि। समावेशीकरणके लेल सब दिन प्रयासरत संवैधानिक निकायके समावेशी मान्यताक विरोधीके रूपमे सञ्चार माध्यम आ सामाजिक सञ्जालमे एनाइ दुखद भेल हुनक कहब छलनि। आयोग केकरो प्रति गलत मनसाइ नहि रखने कहितु संविधानमे रहल धारा संशोधन कर सुझाव देलनि। सरकार के अनुरोध के बाद अपना विज्ञापन आह्वान केने कहित ओहिमे असंतुष्टि भेला पर संविधान आ विद्यमान कानून संशोधन क के सरकार मार्फते निर्देशन देला पर प्रक्रिया रोक सकबाक संकेत कयलनि। लोकसेवा आयोग जेठ 15 गते 515 स्थानीय सरकार के लिए आवश्यक रहल विभिन्न सेवा आ तह में 9161 पद के लिए विज्ञापन आह्वान केने छल। आयोग विज्ञापन आह्वान करित काल संविधान प्रत्याभूत केने समावेशी समानुपातिक सिद्धांत उल्लंघन केने कहित विरोध होइत आबि रहल अछि। निजामती सेवा एन 2049 में 55% खुला आ 45% आरक्षण सब पद पूर्ति करबाक व्यवस्था अछि। एन के दफा 7 के उपदफा 1 में आरक्षित 45% के 100% मानि कऽ महिला के 33, आदिवासी जनजाति के 27, मधेशी के 22, दलित के 9, अपांगता भेल के 5 आ पिछड़ल क्षेत्र के 4% सीट आरक्षित कयल गेल अछि। ऐनको आधारमा नगरिएको र यसलाई चेन्ज गर्ने हो भने कानुन संशोधन जरुरी हुन्छ। कानुन संशोधन जरुरी हुन्छ र त्यसलाई पनि कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्छ किन कन्स्टिट्युसनमा बाजिएका धाराहरू छ। त्यसैले गर्दा समस्या भए हो लोकसभा आएको कुनै त्यस्तो इन्टेन्सन छैन। लोकसभाले किन इन्टेन्सन राख्नु
जुनले समावेशीकरण अझ सुदृढ बनाउनलाई चाहिँ विभिन्न संस्थामा लागू गरिरहेको छ भने हामीलाई के इन्ट्रेस्ट हुन्छ र हामीले त्यो चाहिँ कसैको भाग गर्नु त्यो होइन। टोटलमा हेरेर चाहिँ यति आयो भनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो डिटेलमा नगएको अवस्था हो, ठिक छ। यसलाई पनि यदि प्रदेश दू सरकार रवि दिन प्रदेशसभा में प्रस्तुत कयने आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम में प्रदेशक मधेशी सहित सबके प्राथमिकता में राखल गेल छ। सड़क सबके नामांकन समेत मधेशी सहित के नाम से करबाक धैर्य के कार्यक्रम सब आनल गेल छ। ये स्तर प्रदेश नंबर दू सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के प्राथमिकता। रिपोर्ट प्रदेश नंबर दू सरकार प्रदेशसभा में प्रस्तुत कयने एखन धरि के नीति तथा कार्यक्रम सब में भिन्नता देखल गेल रहितो नारा आ स्लोगन एक किसिम के सुंदर देखल जा रहल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 आ 76-77 के दुनू नीति तथा कार्यक्रम में प्रदेश सरकार मधेश आ मधेशी के लेल आकर्षक नारा लगौने रहितो बजेट अलगे किसिम के लाओल गेलासँ नारा नरे में सीमित भ रहल नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा करय वाला प्रदेश सरकार के संयंत्र नीति आयोग के सदस्य सबके कहबै छ। यो दुर्भाग्य छ, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एकातिर थियो भने बजेट तथा कार्यक्रम चाहिँ अर्कोतिर आयो। नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने हो र त्यस ढङ्गको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि त्यसलाई अनुगमन गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ नि भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने अधिकार चाहिँ नीति आयोगको हुन्छ र त्यस सन्दर्भमा विगतको वर्षमा चाहिँ हाम्रो अनुभव के रह्यो भने त्यो दुईवटाको बिचमा जुन प्रकारको चाहिँ तादम्यता मिलेको हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ मिल्न सकेन भन्ने हामीले महसुस भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम एक दिस आ बजेट दोसर दिस लाउल गेलासँग गत वर्षके नीति तथा कार्यक्रम कागजेमे सीमित भ गेल आयोगक सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र झाके विश्लेषण अछि। हुनक अनुसार एहि किसिमके परिपाटीसँग प्रदेश नम्बर दूके लेल प्राथमिकतामे रहल संघीयता वा संघीय प्रणाली समेत समृद्ध आ कार्यान्वयन होब तहिना संस्थागत होब नि सकबाक डाक्टर झाके कहब छलनि। यसले दुईवटा कुरालाई इङ्गित गर्छ। प्रदेश समृद्धिमा त यो भाँचो हाल्छ नै, समृद्धिको यात्राले यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्छ नै भने अर्कोतिर के छ भने संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जुन एस्पिरेसन्स छ र संहिता कार्यान्वयनको जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ त्यसलाई समेत यसले हस्तक्षेप गर्छ। त्यसैले कुनै नेता धेरै शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री हुनुभएको छ अथवा मुख्यमन्त्रीजी हुनुभयो लगायतका जुन नेतृत्वमा बस्ने जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले परिवार केन्द्रित, वडा केन्द्रित, क्षेत्र केन्द्रित, जिल्ला केन्द्रित मात्रै भएर सोच्नुभयो भने त्यसले चाहिँ नै हाम्रो यो संहिता कार्यान्वयनको र राज्य सत्ता सञ्चालनको जुन पूर्वाभ्यास छ त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो ठेस र धक्का पुर्याउनेछ। किन भन्दाखेरि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि आठवटै जिल्लालाई समग्रतामा हेरेर र हाम्रो डेभलपमेन्टको इन्डेक्सेसहरूले के भन्छ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा के छ छैन भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कहाँनिर के आवश्यक छ, कुन चाहिँ जिल्लामा के समस्या छ, हरेक पालिकाको पृथक समस्याहरू छ, पृथक चाहिँ नै उसको स्ट्रेङ्थहरू छ, त्यस्तै हरेक जिल्लाको चाहिँ पृथक प्रकारको समस्याहरू पनि छ र अवसरहरू पनि छ। त्यो सबै कुरालाई समग्रतामा हेरेर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको आधारमा हाम्रो चाहिँ विकासको आधारहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत व्यवस्थामा चाहिँ सोचेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने समग्र यो प्रदेशभित्र बसेका 60 लाख जनताको भावना चाहिँ प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नलाई उत्सुक छ है, यसले चाहिँ सुरुवात गर्यो है भनेर एउटा हामीले पोजिटिभ चाहिँ मेसेज दिन सक्छौँ र त्यतातिर चाहिँ हाम्रो नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ, न कि तपाईँको एउटा परिवार केन्द्रित, वडा केन्द्रित, क्षेत्र केन्द्रित मात्रै भएर हामीले सोच्यौँ अथवा पार्टी केन्द्रित भएर मात्रै सोच्न थाल्यौँ भने चाहिँ अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्नलाई मधेसी जनताको चाहिँ बलिदानी, सङ्घर्ष, शहीदहरूको बलिदानीले एउटा हामीले अवसर पाएका छौँ। तर सधैँ यो अवसर रहँदैन, किन लोकतन्त्रमा मल्टी पार्टी सिस्टम हुन्छ, अघिल्लो निर्वाचनमा हामी कसरी जनताको माझमा जान्छौँ भन्ने पनि दायित्व र चुनौती हाम्रो सामुन्नेमा छ, त्यसरी यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले ब्रेक लगाउनै पर्छ। उद्योग दिस ऐसा आगुके नीति तथा कार्यक्रममे सप्तरीके राजविराजमे गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र तथा जलेश्वर ढल्केवर औद्योगिक करिडोरके विकास करबाक कहल गेल छल। त आगामी आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रममे वीरगंजके देशके आर्थिक राजधानीके रूपमे विकास गर जका वीरगंज विकास प्राधिकरण गठन कयल जेबाक कहल गेल अछि। एनाके देखलापर गत वर्षके कार्यक्रमके कार्यान्वयनके लेल कोनो ठोस नीति नै लेल गेल अछि, त नया नया कार्यक्रम आ नारा लगाओल गेल अछि। मधेशी शहीद उल्लेख कैक
मधेश आंदोलन के शहीद सबके लिए मात्र कार्यक्रम सब लाओल गेल कहित मधेश मधेश मात्र कैला से नहीं हेबाक प्रमुख प्रतिपक्षी दलक सांसद सभक आरोप है। लास्ट इयर पनि यसरी विषय वस्तुहरु समेटिएका थिए पनि मोबाइलमा चाहिँ नियरली 15% सम्म पनि काम भएको हामीले अनुभूति गरेनौँ। अब नीति तथा कार्यक्रम एउटा हुने बजेट चाहिँ अर्कै भइदिने नीति तथा कार्यक्रमको ब्याकिङको रूपमा बजेट आउनुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लास्ट इयर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको ब्याकिङ बजेट चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेट आएको थिएन। अब यसपालि कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ तर हामीले के देख्छौँ यसमा पनि असमानता हामीले देख्छौँ। जस्तै शहीदकै सवालमा पनि मधेसका शहीदहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ जनयुद्धका शहीदहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँको केही बोलेको छैन त्यसमा चाहिँ असमानता हामीले अनुभूति गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ दलितको बारेमा केही बोलेको छ जनजातिको बारेमा केही बोलेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनका शहीद आ घाइल तहिना हुनका परिवारजन सबके लेल बहुते कार्यक्रम सब घोषणा कयल गेल छ। जना प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत के पूर्व पश्चिम राजमार्ग के मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कयल जेबाक उल्लेख है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत 12 के पथलैया से सप्तरी के रूपनी धरि के राजमार्ग के मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा करबाक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कयल गेल छ। बीरगंज से राजबिराज धरि के 250 किलोमीटर सड़क के मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कयल जेबाक नीति तथा कार्यक्रम में जनाओल गेल छ। साथे सरकार एक शहीद परिवार एक गोटे के रोजगार योजना अंतर्गत मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त केने शहीद परिवार के रोजगार उपलब्ध कराओल जेबाक उल्लेख है। एक स्थायित्व प्रदान करबाक नीति लेने मधेश आंदोलन के शहीद परिवार के रोजगार योजना के अनुगमन तथा कार्यान्वयन शहीद परिवार के रेखदेख शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा लगायत के काज कर मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में एक अलगे इकाई स्थापना करबाक धरि के कार्यक्रम लाओल गेल। तहिना के मधेश आंदोलन में शहादत प्राप्त केने शहीद सबक संतान सबके अध्ययन के अभिभारा प्रदेश सरकार लेबाक कहल गेल। मधेश आंदोलन में सख्त घायल भक विकलांग भेल व्यक्ति सबक सहयोगार्थ ओहि परिवार के बाल बच्चा सबके लेल विशेष छात्रवृत्ति के व्यवस्था कयल जेबाक नीति लेल गेल। तहिना के लोकतांत्रिक आंदोलन के शहीद तथा बेपत्ता सबक परिवार आ घायल सबके सम्मान एवं व्यवस्थापन में प्रदेश सरकार उचित ध्यान देबाक समेत नीति लेल गेल। यद्यपि सत्ताधारी सांसद सब बजेट प्रति असंतुष्टि व्यक्त कर रहल छन्। राजपा नेपालक सांसद मनीष सुमन मीठ मीठ नारा द क ई करब ऊ करब प्रतिबद्ध छी संघीय सरकार संग पहल करब कहिक मात्र नहीं हेबाक कहित बजेट समेत वही किसिम के लाभ प्रभाग धारणा रखे छ। वही पार्टीक दोसर प्रदेश सभा सांसद रानी शर्मा तिवारी महिला के हक में नीति तथा कार्यक्रम अधूरा रहल उपराग व्यक्त करे छथिन। मिले के देखे भने 12-13 वर्ष एकजना बालिका को यही धनुषा को महेन्द्र नगर में बलात्कार गरिएको छ। महिला सुरक्षा प्रति यो नीति तथा कार्यक्रम में अझ स्पष्ट आउनु पर्दथ्यो। नीति तथा कार्यक्रम ले औद्योगिक करिडोर उद्योगपतिहरूलाई उद्योग खोल्न सक्ने वातावरण प्रति अझै ठूलठूलो ध्यान दिन सकिन्थ्यो तर नीति तथा कार्यक्रम राम्रै छ। अधिकांश कुरा त पुरानै निरन्तरता छ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्वच्छता अभियान बीमा कार्यक्रम यी सबै पुरानै निरन्तरता छन्। नया त धेरै थोक देख्न पाइएन। कृषिप्रति ठुल्ठुला गफ गरिएको छ। भगवान् गरोस् ती सबै कामहरू पुरा होस्। हामीले अझै के देख्यौँ भने मन्त्रीजीहरू जुन जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यही त्यही निर्वाचन क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने जुन धार्मिक संस्कृतिबाट आउनुहुन्छ त्यही हिन्दू धर्मका ती कुराहरूलाई मात्र पर्यटकीय रूपमा लिने देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो। खोइ त मुसलमानका धर्महरूका लागि यो नीति तथा कार्यक्रमले केही बोलेको त्यो बोलेको पनि हामीले सुन्न सकेनौँ। तसर्थ धार्मिक रूपले पनि यो सहिष्णु हामीले देखेनौँ र मन्त्रीजीहरू जुन निर्वाचन क्षेत्र बनाउने त्यहीँ बाटो बनाउने त्यहीँको धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय बनाउने त्यहीँका तपाईँलाई बाटोघाटोका त्यहाँ सुरक्षा र विकासका कुरा गर्ने जुन मन्त्रालयबाट आउनुहुन्छ त्यही मन्त्रालयको प्रशंसा गर्ने विगतमा गरेका ती कामहरूको थुप्रै प्रशंसा गर्ने जस्तो देखियो। समग्रमा संशोधनको आवश्यकता छ। कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामीले पनि चित्त बुझेको छैन। जस्तो महिलाकै इस्युमा पनि मैले पनि के राखेको थिएँ भने बोर्डहरू समितिहरू गठन हुँदाखेरि पनि महिलाको समिति पनि एउटा गठन हुनुपर्छ जो महिलाका इस्युहरूमा काम गरौँ। अर्को कन्ज्युमरमा मैले कुरा राखेको थियो त्यो चाहिँ एउटा आएन तर समग्रमा मिलाउँदाखेरि ठिक छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकार सुशासन विकास आ कृषिके प्राथमिकतामा राख्ने दावी केने अछि। तहिना क पर्यटन उद्योग स्वास्थ्य आ शिक्षा दिस समेत मीठ मीठ नारा सहितके कार्यक्रम लाओल गेल रहितो गत वर्ष जेहने अर्थमन्त्री बजेट लौलक त सरकारके सपना सपने रहबाक कतेको सांसद सबके धारणा अछि। गत वर्षके महत्वाकांक्षी मानल गेल बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान बाहेक कोनो समेत कार्यक्रमके ठोस नीतिके साथ निरन्तरता नै देल गेल देखल जा रहल जानकार सब बतबैत छथि।
ओहि अभियान के थप प्रभावकारी बनाबक लेल सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 धरि अध्ययन करय वाला बेटी सबके हौसला प्रदान कर आ हौसला बढ़ाब। प्रत्येक महीना 500 रुपया के दर से दैनिक विद्यालय आगमन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराओल जेबाक नीति तथा कार्यक्रम में कहल गेल अछि। खेत खेत में पानी हाथ हाथ में काम नारा के फेर से निरंतरता देल गेल रहितो सुनकोशी कमला आ सुनकोशी मरीन जेहन महत्वाकांक्षी सिंचाई के आयोजना सब बनाबक लेल संघीय सरकार के भर पड़बाक जका नीति तथा कार्यक्रम में कहल गेल अछि। ऐसे नीति तथा कार्यक्रम के भविष्य की हैत से प्रश्न चिन्ह खार होइत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेसक नेता लोकनि मधेशवादी दल आ ओकर नेता सब विरुद्ध आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। लक्ष्मीनिया बाजार में आयोजित राष्ट्रीय जागरण अभियान के क्रम में सभा के संबोधन करैत नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री फरमुल्लाह मंसूर संविधान के विरोध करयवला महंत ठाकुर वही संविधान के आधार में संसद में सबसे पहिने शपथ खैने आ तेकरा बाद संविधान सर्वोपरि रहल कहैत सभे सांसद के शपथ खुओने कहैत मधेशवादी दलक नेता सबके दोहरा चरित्र बुझ जनता के आह्वान कयने छलनि। मन अनुकूल के यहाँ शासन व्यवस्था कायम बन सबका शासन और प्रशासन में समान अवसर मिल बा, लेकिन दुर्भाग्य बा इतना कामेश्वर कुशेश्वर की भूमि है, ये सरोज कोइराला के भूमि है, ये दुर्गानंद झा के भूमि है, जो लोग शहादत देने बा लोकतंत्र के खातिर जनता के मालिक बनावे खातिर ओ लोग के पवित्र खून से सिंचली पवित्र माटी में अपने तमाम भाई और बहनों के बीच में हम कहते चाहते हैं कि लोकतंत्र के जो अनुपलब्धि भरवा इतना त्याग तपस्या और लड़ाई के बाद जो हासिल भरवा दुर्भाग्यवश कांग्रेस के नेतृत्व में इतना बड़ा लड़ाई जनता जीतल, लेकिन दुर्भाग्यवश देश के शासन के जिम्मा आज कम्युनिस्ट के हाथ में गया। कार्यक्रमक दोसर वक्ता केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री महेन्द्र यादव भ्रष्टाचारक रुपया पैसा कमाका फेर से आंदोलन करब कहनाई उपेन्द्र यादव जाति के समेत हित नहीं कर सकबाक दावी कलन। लोकतंत्र में कारी झंडा देखा वाला राम मनोहर यादव के जेल में थुना का हत्या कर के काज कर लगौने उपेन्द्र यादव के समेत कहियो भलाई नहीं सोच सकबाक आ कम्युनिस्ट नेता रहल हुनक आरोप छलन। हम लोग सबके बुझाए पैसा कहूँ है कि नहीं तो हम सब तो पैसा के जोगाड़ करते नहीं थे कि जाने के लिए वो सारा पैसा ये बीमारी के पैसा वृद्ध भत्ता के 5,000 रुपया जो पैसा वर्ष हम सब भरी के देवे से पैसा सब लग कर आ दू गो जहाज किन लेते आ जहाज किन कर आ 4,500 रुपया खा। ओहि सभा में कांग्रेस के केंद्रीय जिला क्षेत्रीय तथा पालिका स्तर के तेना वार्ड स्तर के नेता कार्यकर्ता सबके समेत सम्मानजनक उपस्थिति छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद सरकार मधेश के उपेक्षा कर बजट अनने राजपा नेता यादव के आरोप बजट कोना कार्यान्वयन हेबा कहित सरकार संग प्रश्न। जनकपुर अंचल अस्पताल से दूपी चौलिया पकड़ायल इलाजक लेल आवे वाला बीमार के रोक कर क्लिनिक में ल जाए दबाव देने आरोप। आ प्रदेश 3 प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता सेमीफाइनल में सुदूर पश्चिम के 6 विकेट से पराजित कलक। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में आने बाकी समाचार। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक नेता महेन्द्र राय यादव सरकार तराई मधेश के उपेक्षा कर बजट अन्य आरोप लगौलने। नेता यादव 52% जनसंख्या भेल तराई मधेश के उपेक्षा कर अन्य बजट केना कार्यान्वयन होयत कहित सरकार संग प्रश्न कलने। सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सरकार प्रस्तुत कने गेलका आर्थिक वर्षक बजट ऊपर के प्रारंभिक परामर्श में भाग लेतो बहुत जनसंख्या भेल भूगोल में 20% मात्र बजट विनियोजन नहीं कर सरकार तराई मधेश के व्यवस्था कर रहा से धारणा रखने। नेता यादव बजट संहिता के आत्मसात करने सकल से हो बतौलन बीतल वर्ष से हो ए वर्ष प्रदेश आ स्थानीय तह के कम बजट विनियोजन कायल गेल हुनक आरोप छलन। सांसद लोकनि समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सोमदिन के बैसार के शून्य समय में सांसद लोकनि क्षेत्रगत आ समसामयिक विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सांसद प्रमोद शाह लोक सेवा आयोग जेठ 15 गते आह्वान कने विज्ञापन गैर संवैधानिक भेल कहित आपत्ति जनौलनि। ओ विज्ञापन सुधार समावेशी बनाब आग्रह कलनि। सांसद पदम नारायण चौधरी लहान नगरपालिका में वर्षों आगाज शुरू भेल नगर विकास योजना राजनीतिकरण में पड़ि कर अखन धरि सम्पन्न होबय नहि सकल कहित ओहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। तेना सांसद देव प्रसाद तिमिल सिन्हा बैसाख 26 गते आयल पत्थर पानी रोथट के
वृन्दावन नगरपालिकाक वार्ड नम्बर 1, 2, 3 आ चन्द्रपुर नगरपालिकाक वार्ड नम्बर 10 के 2800 घरमे क्षति पहुँचाउने तथा 2800 बिघामे लगाउने अन्नबाली नष्ट भेलासँग तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाव माग केने छलेन। सांसद ढिला संग्रौला पन्त वैदेशिक रोजगारीके गन्तव्य देश मलेसिया जाए रोक लगबैत लाखौँ युवा सब के परेशानी भोग पड़ रहा कहते श्रम तथा रोजगार मंत्री के ध्यान आकर्षण करौने छलेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक महासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकार संविधान अनुसार बजेट अन्य स्पष्ट कयने छ। नेपाली कंग्रेस संविधान के भावना विपरीत बजेट आयल टिप्पणी कर रहल समय महासचिव पौडेल संविधान से निर्देशित भएको बजेट आयल स्पष्ट कयने छ। सोमदिन प्रतिनिधि सभाक बैसार में बजेट ऊपर के प्रारंभिक परामर्श में भाग लेते हो बजेट में लिखल गेल सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ़ेबाक प्रावधान बेठीक अछि कहीं कर ठाड़ होब से हो नेपाली कंग्रेस के चुनौती देने छलन। महासचिव पौडेल सरकार अन्य अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट गरीब आ पिछड़ल क्षेत्र के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ भेल दावी समेत केने छलन। ओ बजेट से राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब के उच्च प्राथमिकता दक देश के उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम करवाक लक्ष्य लेने से हो धारणा रख लेने छ। सोमदिन बजाओल गेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सचिवालय विचार स्थगित भेल अछि। सरकार के नेतृत्व बेराबेरी करवाक सहमति भेल कहैत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अभिव्यक्ति देलाक बाद नेकपा में तरंग उत्पन्न भेल अछि। ई एकता के बाकी काज पूरा करबाक विषय में सोमदिन बैसार बजाओल गेल छल क्रिया कार्य नहीं पहुँचल कहित बैसार बुध दिन के लिए घुसकाओल गेल नेकपा जनौलक अछि। अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत गेल समय अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री पद बेराबेरी करबाक सहमति भेल खुलासा केने छलन। एहन दू अध्यक्ष बीच किछ असमझदारी रहल विश्लेषण भ रहल अछि। एहि विषय में काल्हि प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में ओली आ दाहाल बीच वार्ता भेल छल। दाहाल संग असगरे वार्ता केने प्रधानमंत्री ओली पार्टीक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संग सेहो असगरे परामर्श केने प्रधानमंत्रीक निजी सचिवालय जनौलक अछि। एजेंडा निष्कर्ष में पहुँच नहि सकलाक कारण नेता सभक कार्य विभाजन आ पोलिट ब्यूरो गठन के विषय में परामर्श करबाक कहल गेल नेकपा के सचिवालय के विचार बैस नहि सकल अछि। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ 3 महीना भीतर अपना सबक संपूर्ण मांग संबोधन नहीं कैल गेल पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी दिलक अछि। संघक अध्यक्ष रोहन गुरुंग अपना सबक मांग 3 महीना भीतर संबोधन नहीं कला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि। संघ अपना सबक मांग संबोधन कराब सरकार के दबाव दैत बीतल जेठ 17 गते से 23 गते धरि 1 हफ्ता वैदेशिक रोजगारी में नेपाली सबके जाय प्रतिबंध लगौलक अछि। एहि कार्यक्रम अंतर्गत सोमदिन भिनसर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहुंचल संघक अध्यक्ष गुरुंग फ्री वीसा फ्री टिकट लगात के निर्णय में पुनर्विचार नहीं कला पर अपन व्यवसाय छोड़कर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जेबाक अवस्था सकबाक स्पष्ट कलन। एम्हर नेपाल राष्ट्र बैंक वैदेशिक रोजगारी में जाए रोकावट कैल जाए वाला नेपाल वैदेशिक रोजगार संघक निर्णय से नेपाल के अर्थतंत्र में नकारात्मक असर पड़ल जनल लेने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशक नरबहादुर थापा वार्षिक करीब 7 खरब 33 अरब विप्रेषण के अप्रवाह सेहो संघ के अय बंद सब प्रतिकूल असर पहुंचा रहल बतौलन। सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपाल में अखन 43 लाख नेपाली नागरिक सब वैदेशिक रोजगार में कार्यरत छथि। ओ सब पहुंचने विप्रेषण के रकम से देश चल रहल अछि। जनकपुर अंचल अस्पताल से 2 बिचौलिया पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में सिरहा नगर पालिका 11 घर भक अखन जनकपुर रहैत आयल 25 वर्षक संजय कामती आ धनुषाक जनकपुर उपमहानगर पालिका 10 रहनिहार 35 वर्षक मनोज यादव रहल छनि। पकड़ायल दुनू गोटे जनकपुर अंचल अस्पताल एरिया में इलाज के लिए आवला बीमार सब तथा बीमार सबक परिवारजन के रास्ता में रोक कर जोर जबरदस्ती दोसर क्लिनिक में इलाज कराब के लिए ले जाए के लिए दबाव देव के काज कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर सरसफाई कैल गेल अछि। नेपाल स्वच्छ वातावरण अभियान अंतर्गत वन मंत्रालय आ जनकपुर उपमहानगरपालिकाक आयोजना में सरसफाई कैल गेल अछि। जेठ 22 गते विश्व वातावरण दिवस रहला से सेहो सरसफाई कैल गेल अछि। जनकपुर धाम के 12 बीघा लगपास के क्षेत्र में कैल गेल सरसफाई कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाक प्रमुख लाल किशोर झा उप प्रमुख रीता झा राजपा नेपालक केन्द्रीय अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेन्द्र महतो जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल लगायत सबके सहभागिता छलन। नेपाल में सार्क युवा वैज्ञानिक सबक सम्मेलन होब लागल अछि। प्रदेश नंबर 3 के उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का आब वाला जेठ 22 आ 23 गते ललितपुर में सार्क युवा वैज्ञानिक सबक सम्मेलन हेबाक जानकारी करौलक अछि। सार्क क्षेत्र में भेल विज्ञापन आ प्राविधिक उपलब्धि सबक अनुभव आदान प्रदान करबाक उद्देश्य के संग ई सम्मेलन आयोजना करय लागल। सम्मेलन के आयोजक समितिक संयोजक डॉक्टर दीपक अरियाल जानकारी देलनि अछि। सम्मेलन में जर्मनी बेलायत फिनलैंड सहितक देश सबके सेहो सहभागिता होयत। सम्मेलन में 16 अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सभक कार्यपत्र प्रस्तुत हेबाक आ नेपाल के 35 गोटे युवा वैज्ञानिक सब सेहो कार्यपत्र प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
प्रदेश नंबर 3 प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में समूह एक के विजेता बनित सेमीफाइनल में प्रवेश कलक मूलपानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में भेल समूह चरण के अंतिम खेल में सुदूर पश्चिम के 6 विकेट से पराजित करते सेमीफाइनल में अपन स्थान बनौलक टॉस जीत के पहले बैटिंग केने सुदूर पश्चिम प्रदेश देने 155 रनक लक्ष्य प्रदेश नंबर 3 33.2 ओवर में 3 विकेट गुमा के पूरा केने छल प्रदेश नंबर 3 के लिए ईशान पांडे 53 रन बनबित अदिल खान 33 रन कप्तान पारस खटका 26 रन बनौने छल प्रदेश नंबर 3 विरुद्ध सुदूर पश्चिम के महेश अधिकारी शेरमल विकास आगरी आ विनोद लामा समान एक एक विकेट लेने छलन ऐसे पहले पहल बैटिंग केने सुदूर पश्चिम 45.1 ओवर खेलित सब विकेट गुमा के 154 रन मात्र बनाव सकल छल सुदूर पश्चिम के लिए खड़क बोहरा 40 रन रोशन अधिकारी 27 आ नरेश बोहरा 26 रन बनौने छल प्रदेश नंबर 3 के सूर्य तमांग 3 विकेट लेलक तहिना प्रतीश जीसी आ जितेंद्र ठकुरी समान 22 विकेट लेत नंदन कुमार यादव आ पारस खड़का समान एक एक विकेट लेलक प्रदेश नंबर 3 आ एपीएफ के समान 6-6 अंक भेल पर नेट रन रेट के आधार में प्रदेश नंबर 3 समूह विजेता बन सफल भेल अंत में हेडलाइन से एक बार फिर से मिथिलांचल में महिला सब से बट सावित्री पावनि मनाओल गेल श्रीमान के दीर्घायु के कामना सुंदर नारा के साथ आयल प्रदेश नंबर 2 सरकारक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में आशंका बीतल बरखक कार्यक्रम कागज में रहल नीति आयोग सदस्य के दावी लोक सेवा आयोग संविधान आयन विपरीत विज्ञापन निकालने कहित चौतरफी विरोध तत्काल सुधार कर मांग लोक सेवा अध्यक्ष संसदीय समिति में जवाब बेमानी नहीं केने दावी खराब मनसाई से विज्ञापन आनल गेल सांसद सभा का आरोप आ सरकार मधेस के उपेक्षा का बजट अन्य राज्यपाल नेता यादव के आरोप बजट कोना कारण हेबाक कहित सरकार संकलन प्रश्न अपन न्यूज अखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।